हिंसा का एकाधिकार राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमने गत शुक्रवार को देश के कई क्षेत्रों में नुपुर शर्मा के बयान पर, जिसके लिए वे माफी मांग चुकी हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे। विरोध प्रदर्शन में हिंसा का चलन हम CAA विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन के समय भी देख चुके हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि राज्य ऐसे हिंसक प्रदर्शनों पर काबू कैसे पाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमें तथाकथित बुलडोजर न्याय देखने को मिला। इसका विरोध करने वालों ने अपने दोहरे मापदंड दिखाए हैं। जब उन्हें हिंसक प्रदर्शन करना होता है तो संसद द्वारा पारित कानून या न्यायपालिका का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वे स्वयं ही निर्णय लेकर दंड देने वाले बन जाते हैं। वहीं जब राज्य उनकी संपत्ति कुर्क करता है या बुलडोजर चलाता है तो उनके लिए संविधान और न्यायालय ही सर्वोपरि हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हिंसक प्रदर्शन की समस्या का समाधान बुलडोजर है। निसंदेह यह एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, लेकिन असली न्याय तब होगा जब दंगाइयों को गिरफ्तार किया जाए और हिंसा भड़काने या करने के लिए उपयुक्त दंड दिया जाए। भविष्य में हम और ऐसी घटनाएं देखेंगे जहां सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करके प्रगति को बाधित करने का प्रयास होगा। ऐसे में सरकार को एक टिकाऊ नीति चाहिए। क्या सरकार आधार, नीचे उड़ने वाले निगरानी ड्रोन, शक्ल पहचानने की सेवाओं और डिजिटल निगरानी के माध्यम से दोषियों की पहचान करके उन्हें कानूनी दंड दे सकती है? क्या सरकार दोषियों और उनके परिवारों को सरकारी सब्सिडियों, सरकारी नौकरी व कल्याणकारी योजनाओं, औपचारिक ऋण सेवाओं, पासपोर्ट प्राप्त करने आदि से प्रतिबंधित कर सकती है? सरकार के लिए यह सरल नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय को दोषियों के भविष्य की चिंता रहती है। साथ ही दोषियों को बचाने के लिए असंख्य जनहित याचिकाएं दायर हो जाएंगी जिन्हें न्यायालय सुनेगा। लेकिन फिर भी राज्य, विशेषकर केंद्र को प्रयास करना चाहिए। कुछ कानून अवश्य पूरे देश में लागू होने चाहिए जो सड़क पर उतरने और हिंसक प्रदर्शन करने से लोगों को रोकें। राज्य को हिंसा पर अपना एकाधिकार जमाना ही होगा।